अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय चैनल कुक विद जारू। तो कैसे हैं आप सब और कैसे जा रहे हैं आप सबके दिवाली वेकेशंस? मैं और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और हमारे दिवाली वेकेशंस भी बहुत ही अच्छे से जा रहे हैं। तो यहाँ देखें, आज मैं बच्चों को लेकर आई हूँ मेले में। हमारे घर के बिल्कुल सामने, यानी हमारी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के ना बिल्कुल सामने लगा है ये मेला। ये हर साल दिवाली की छुट्टियों में ही लगता है और बच्चों को जितना भी मना करो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि घर से इतनी अच्छी लाइटिंग वगैरह दिखती है मेले की, तो उन्हें तो जाना कंपलसरी है। और साथ ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आज चिकन अफगानी की रेसिपी। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी होती है, तो चले पहले रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ले ली हूँ यहाँ पर 1 किलो चिकन। आप सेम रेसिपी से बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप जितना चिकन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अदरक लहसुन के पेस्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब नमक और साथ ही 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डाल दूंगी काली मिर्च का पाउडर। बस इतने ही मसालों में इसे अच्छे से मैरिनेट पहले कर देंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी नींबू का रस। मैंने यहाँ पर 1 नींबू का रस ली हूँ। सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे चिकन में और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए मैं साइड में रख दूंगी। जब तक ग्रेवी की तैयारी करेंगे उतने देर में ये आराम से मैरिनेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हरा मसाला बनाने के लिए मिक्सी के जार में ले ली हूँ पुदीना और हरा धनिया। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज की प्याज रफली कटी हुई। 7 से 8 यहाँ पर मैं हरी मिर्ची ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची ज्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 15 से 20 काजू। अब ये सारी चीजों का अच्छे से एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी से ये मसाला बनाकर रेडी कर ली हूँ। देखिए कितना अच्छा हरा हरा मसाला बनकर ये रेडी हो गया है। अब यहाँ मैंने बाउल में ले ली हूँ 200 ग्राम दही और 100 ग्राम के करीब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। इसी से हमारी ग्रेवी भी बनेगी, तो आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये हमारा हरा पिसा हुआ मसाला। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेना है। अब इस मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला और ये है कसूरी मेथी। इसे पहले मैंने भून ली थी तवे पर, फिर हाथों से मसल कर ऐड कर ली हूँ। इसी मसाले में हमें चिकन को पहले मैरिनेट करना है, फिर इसी से हमारी ग्रेवी भी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए सारा मसाला मैंने चिकन में डाल दी हूँ। अच्छे से इसे मिलाकर कम से कम इसे भी मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट के लिए रख दूंगी। अगर आपके पास वक्त कम है तो आप फौरन भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने पैन में ले ली हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। इसमें सारे चिकन के पीसेस को फ्राई करना है। मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखी हूँ, स्लो आंच पर इसे नहीं फ्राई करना है, नहीं तो चिकन अपना पानी छोड़ देगा और सारा मसाला भी बह जाएगा। जब चिकन एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड चेंज करके मैं दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। एक अच्छा सा कलर आ जाएगा दोनों साइड से। बस उतनी देर इसे फ्राई करना है तेज आंच पे। चिकन को जितनी देर मैरिनेट करेंगे उतना ही कम वक्त लगेगा इसे पकने के लिए। तो यहाँ पर मेरे सारे चिकन अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और 90% तक कुक भी हो गए हैं। और ये जो मसाला बचा हुआ है ना, इससे मैं बनाऊंगी ग्रेवी। अब ये सारे फ्राइड चिकन को निकाल कर मैं साइड में रख लूंगी और इसी बर्तन में मैंने ले ली हूँ 2 बड़े चम्मच तेल और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी हूँ बटर और थोड़े खड़े मसाले, दालचीनी, स्टार एनीस, छोटी इलायची और लौंग। अब इसमें ये बचा हुआ हरा मसाला मैं ऐड कर दूंगी। बस अब इस मसाले की अच्छे से भुनाई करना है। यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखी हूँ। 5 से 7 मिनट तक तेज आंच पर पहले इसे भून लेना है। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा और तेल भी सेपरेट हो जाएगा तब आप इसमें ऐड कर दें पानी। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी ऐड की हूँ। आपको जितनी ग्रेवी थिक और पतली रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। मैं यहाँ पर सेमी थिक ग्रेवी रख रही हूँ इसलिए मैंने 1 ही कप पानी डाल दी हूँ। मसाले में एक उबाल आ जाएगा तब ये फ्राइड चिकन मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये चिकन 90% तक कुक हो गए हैं। बस दम पर ये 5 से 7 मिनट में ही स्लो आंच पे पक जाएंगे। तो बहुत ही इजी है ये चिकन अफगानी की रेसिपी। एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपके घर में ये सबको कितनी पसंद आई थी। बहुत ही मजेदार इसका टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखें, मैं इसे ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। चिकन 90% तक कुक है, बस दम पर ये आराम से पक भी जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी ग्रेवी रेडी हो गई है। आपको जितनी पतली या जितनी गाढ़ी रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेमी थिक रखी हूँ क्योंकि हमारे घर ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से एक उबाल आ गया है। अब इसमें ना मैं हल्का सा चारकोल का एक फ्लेवर दे दूंगी, बिल्कुल भटियारा और रेस्टोरेंट स्टाइल के चिकन अफगानी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने एक कोयले को गर्म कर ली हूँ। अच्छे से इसे सेंटर में रख दूंगी एल्यूमिनियम फॉइल की कटोरी बनाकर।
इस पे मैंने डाल दी हूँ 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के और लगा दी हूँ फौरन से ढक्कन। बस अब सारा धुआं चिकन के अंदर जज्ब हो जाएगा और बहुत ही अच्छा एक कोयले का फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाएगा और सारी ग्रेवी में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 मिनट इसे मैंने ऐसी ही छोड़ दी थी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को खाना दे दी हूँ। इस चिकन अफगानी के साथ मैंने बना दी थी पराठा। पराठे के साथ इसका बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप सादी रोटी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं या फिर रुमाली रोटी या तंदूरी रोटी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर बच्चे फटाफट खा लेंगे, उसके बाद मैं इन्हें शाम में लेके जाने वाली हूँ मेला। तो उसी खुशी में इनका खाना भी फटाफट हो रहा है और यहाँ पर मोबाइल भी साथ साथ चालू है। सबके बच्चों का यही है, बस मोबाइल या फिर टैब या फिर टीवी, तीनों चीज के बगैर खाना तो इनका जाता ही नहीं है। आई एम श्योर आपके भी घर का यही हाल होगा, जब खाना चालू होता है तो साथ में टीवी या फिर मोबाइल चालू ही रहता है। मेरे हस्बैंड इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ है, इसलिए जहाँ पर डाइनिंग एरिया है ना, वहाँ पर टीवी का सेटअप जरा भी नहीं है, ताकि बच्चे बगैर टीवी बगैर मोबाइल के खाना खाएं। लेकिन जायरा और रेहान अपना काम कर लेते हैं मोबाइल वगैरह से। खाना वगैरह खाने के बाद बच्चे बैठ जाएंगे होमवर्क करने के लिए। स्कूल का बहुत ज्यादा होमवर्क है, दिवाली वेकेशन में इतना होमवर्क दे देते हैं स्कूल वाले, इतना भी नहीं समझते बच्चे छुट्टियां एंजॉय करेंगे या बैठ के होमवर्क। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ मिठाई, ये आई थी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिए थे, बहुत सारी करंजी शक्करपारा और ये पेड़े। दिवाली स्टार्ट होते ही मिठाइयों के डब्बे भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। हस्बैंड के बहुत ज्यादा ना नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, तो उनके घर से कहीं ना कहीं से मिठाई का डब्बा रोज आ ही जाता है। तो यहाँ पर आ जाइए मेरी फेवरेट स्पेशल करंजी, मुझे करंजी बहुत ज्यादा पसंद है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं आपसे जल्द शेयर करूंगी। और शाम को मैं बच्चों को लेकर आ गई थी मेले में, और यह है मेले की जान जाइंट व्हील, जिस पर मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार बैठी हूँ, बस मुझे इसे देख कर ही चक्कर आता है। और यहाँ देखें जायरा का एंजॉयमेंट, इतनी छोटी होके उसने सारे राइड्स एंजॉय की, सारे राइड्स अटेम्प्ट की, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। रेहान जायरा और उसकी कजिन ने सारी राइड्स एंजॉय किए। रेहान तो खैर माशाल्लाह बड़ा है, लेकिन जायरा भी सारी राइड्स में बैठने की जिद कर रही थी और वो बैठी भी और डरी भी नहीं, यही देख के मैं सबसे ज्यादा शॉक थी। तो माशाल्लाह यहाँ बच्चे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ये शिप पर भी बैठे और यहाँ पर रेहान कर रहा है शूटिंग। ये भैया ना इसके अंदर गोलियां भर रहे हैं, पता नहीं कौन सी बारीक बारीक सी, उससे फिर ये बलून फोड़ रहा है और माशाल्लाह सारे निशाने उसके लग रहे हैं। वही देख कर मैं भी खुश हुए जा रही हूँ और वो भी। जायरा भी ये शूटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, बट मैंने ही नहीं दी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंकल ना प्रेशर से इसमें गोलियां भर रहे थे, मुझे डर लग रहा था कहीं मुंह पर ही ना लगा दे। यहाँ देखिए कितने स्पीड में ये भरे जा रहे थे गोली। खैर यहाँ पर शूटिंग वगैरह हो गई थी और बाद में हमें मालूम पड़ा था कि कोई प्राइज ही नहीं था, बस आपके जितने बलून फूटे वही आपका प्राइज। रेहान का मुंह इतना छोटा हो गया था। बाद में बच्चों ने ट्राई किए ये छतरी, पता नहीं क्या था, अम्ब्रेला था, छतरी क्या नाम था मुझे याद नहीं, बहुत ही पहले नीचे नीचे घूम रहा था, उसके बाद ऊपर ऊपर जाने लगा तो ये बहुत ज्यादा डरावना दिख रहा था। जायरा भी इस पे बैठी थी, वो सोचकर मुझे और ज्यादा डर लग रहा था। ये इतना तेज घूम रहा था कि ना बच्चों की शक्ल भी नहीं दिखाई दे रही थी, कि एक बार मैं देख लूं कि उन्हें डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बस मुझे तो लेकिन बाहर से देख देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था। यहाँ पर ना शोर बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा नॉइज हो रखी थी, तो बच्चों की आवाज क्या सुनाई देती या मेरी आवाज क्या ही जाती, बट इनके रिएक्शंस देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि जरा सा भी इनको डर लगा था। मजा आई? हाँ तो क्या ये स्कूल और मेरे ऊपर था ना। हाँ मजा आई ना, लेकिन जहरा मजा आई? जहरा चेहरा बताओ, डर लगा था? नहीं ये मेरे थोड़ा भी नहीं। इतनी खतरनाक राइड करने के बाद जायरा यहाँ पर आ गई थी ये बोट चलाने के लिए। बच्चों की बोट थी लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, कह रही थी मुझे चलाना है, बस अभी से इसमें क्या मजा मिल रहा है पता ही नहीं। हम बस बैठ के तीनों देख रहे और बोर हो रहे थे। रेहान को और सारी राइड्स ट्राई करनी थी, बस हम बोल रहे थे बस जायरा हो गया अब जितना हो गया चलो बाहर निकलो, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, पता नहीं उसको इसमें इतनी मजा आ रही थी। इतना ज्यादा यहाँ पे नॉइस हो रखा था और बच्चे है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये ड्रैगन भी उन्होंने ट्राई किया, इतना खतरनाक ही देखें दिख रहा है, कितनी हाइट तक ये जा रहा है, ये देख देख कर ही डर लग रहा है। इसके बाद में ले आई इन्हें ये फूड कोर्ट की तरफ,
कितनी मजेदार यहाँ पर देखे चीजें हैं, इमली है, खटाई है, छोटी मोटी खट्टी मीठी गोलियां है, हर किस्म की चीजें हैं यहाँ पर देखे। और ये मेरी बचपन की फेवरेट इमली की गोली, आपकी गोली कौन सी फेवरेट है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। इमली लवर्स के लिए तो जैसे ये हेवन है, बहुत सारी वैरायटीज थी इमली की गोलियों की, खट्टी मीठी गोलियों की, और ये मुकवास वगैरह भी था। उसके बाद ये अचार का काउंटर था, हर किस्म के यहाँ पर अचार देखने को मिल गए थे, करविंदे का अचार, तीखा मीठा हर किस्म का अचार, लहसुन का अचार, हर किस्म का अचार यहाँ पर था। और ये मेरा फेवरेट है करवंदे का अचार, खट्टा खट्टा हल्का सा रहता है ये, लेकिन बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। यह है लहसुन का अचार, यह है खटाई, यह है मीठा अचार, और ये वाला है मीठा गीला अचार। ये मेरी अम्मी बहुत अच्छा बनाती हैं, उनके हाथ में बहुत ज्यादा टेस्ट है। तो ये सारे अचार तो हमने नहीं ट्राई किए, जो जो मुझे अच्छा लगा था बस मैंने एक एक करके ट्राई किए। और ये स्टाफ इतना ज्यादा हम्बल है ना, उन्होंने हर अचार को ट्राई करने की जिद कर रहे थे कि हर अचार आप ट्राई करें, भले ही ना लें लेकिन ट्राई जरूर करें। तो यहाँ पर आ गए थे हम जायरा के फेवरेट काउंटर पे। इन सारी चीजों में जायरा को पसंद आई है बस ये लॉकेट। उसने अपने लिए एक लॉकेट ली और अपनी एक कजिन के लिए लॉकेट ली है। अपने लिए उसने बटरफ्लाई ली है, उसको हार्ट चाहिए था बट हार्ट उनके पास था ही नहीं, एक ही पीस था तो किसी ने ले लिया। उसके बाद हम आ गए फूड कोर्ट पे। यहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटीज थी, जैसे मंचूरियन था, नूडल्स था, बहुत सारे किस्म के यहाँ पर भी स्टार्टर्स वगैरह लगे हुए थे। तो जायरा को ये मंचूरियन बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगा और ये नूडल्स, तो मैंने बच्चों को नूडल्स और मंचूरियन वगैरह खिला दी। लेकिन ये जितना ज्यादा टेम्पटिंग दिख रहा है उतना ज्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा था, बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगा, खैर मुझे इतना खास नहीं लगा। ये चाइनीज वगैरह फिनिश करने के बाद मैं बच्चों को लेके चली गई थी आइसक्रीम काउंटर पे। यहाँ पर भी बहुत सारी वैरायटीज थी, कुल्फी थी, सॉफ्टी वगैरह थी, स्मोक बिस्किट्स भी थी। तो सबसे पहले बच्चों ने ये कुल्फी ट्राई किए, इसका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग था। ये रबड़ी कुल्फी थी और इसका लेंथ देखे, और रेहान का कुल्फी खाने का स्टाइल। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारे साथ आपने भी ये मेला एंजॉय किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना ना जाएं और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो अब लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे मेरे बच्चों को हमेशा याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।